छठा अध्याय धूम्रलोचन वध ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाले परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं और उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और दैत्यराज के पास आकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम बलपूर्वक मुझे ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाड़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महावली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नाम के दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अपनी बड़ी सेना को लेकर वहां जाओ, उस देवी के छोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों, शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में धूम्रलोचन वध नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। सातवां अध्याय, चंड और मुंड का वध ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार, पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा।
वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चमर की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उस अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर मरने से बची हुई सेना वह से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास आकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से ख्याति प्राप्त होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में चंड और मुंड वध नामक सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।